हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है टीचर्स अड्डा पर। उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की क्या परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। आपको पता है कि आज 23 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन जो बोर्ड है अपना, उसकी जो सचिव है डॉक्टर अंजना गोयल, उनके नाम से एक जो है एक लेटर जो है काफी वायरल हो रहा है, मतलब जो एक पब्लिश हुआ है उसमें उन्होंने जो है जो जिले हैं उनसे परीक्षा कैसे कराई जाएगी, कौन कौन से केंद्र आप लोग बनाओगे, आप आपकी स्क्रीन पर वो एक लेटर दिखाया जा रहा है। तो आप इस लेटर में नीचे देख रहे हैं कि उसमें क्या किया जा रहा है, वो झांसी और हाथरस ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, उनमें पूछा जा रहा है कि आप अपने यहां पर पेपर को कैसे कराएंगे, उसकी सूची जो है वहां पर जो है पहुंचाई जाए, बोर्ड को दिया जाए। तो कहने का मतलब यह कि डॉक्टर अंजना गोयल के द्वारा और ये जो है किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से मान के चलिए कि अभी आज 23 अगस्त को ये जो है नोटिस उन्होंने पब्लिश किया है, तो मान के चलिए कि आयोग जो है इस बात का मन बना चुका है कि उसको परीक्षा ले लेनी है। तो मान के चलिए कि अब देखिए अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर दो महीने आप मान के चलिए, अक्टूबर के बाद आप नवंबर या दिसंबर के आसपास एक आंकड़ा ऐसा कह रहा है कि आपकी परीक्षा की तिथि आयोजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें जबरदस्त तरीके से मामला चल रहा है और मान के चलिए 90% ऐसे संभावना है कि नवंबर और दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। बाकी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, सब कुछ इसमें मुमकिन है। ठीक है, कब ये नवंबर दिसंबर आगे बढ़ जाएगा ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सकारात्मक बने रहिए। और आपको पता है उत्तर प्रदेश टीजीटी एसएसटी और उत्तर प्रदेश पीजीटी ज्योग्राफी के बैच हमारी ऐप पर लगातार चल रहे हैं, जिनमें मैं स्वयं अनुपम भारद्वाज पढ़ा रहा हूं। तो वहां पर आप जाकर के अगर आप तैयारी करना चाह रहे तो कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहां पर कोर्स थोड़े से महंगे हमारे, लेकिन एक डिस्काउंट कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, Y425 हमारा एक डिस्काउंट कूपन कोड है, उसको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो कोर्स पर आपको पूरे 78% का डिस्काउंट हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ये जो पत्र भी आपको दिखाया जा रहा है ये डॉक्टर अंजना गोयल के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो इसके आधार पर आप मान के चलिए जो संभावित तिथि है वो नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।